दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तहवील अल राजी से बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने तहवील अल राजी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है तो आप उससे अपना बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र करेंगे अपने अकाउंट में, तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को कर देते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपना तहवील अल राजी एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र नेम डाला हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इंटर पासवर्ड करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है, आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा तहवील अल राजी है ओपन होकर आ गया हमारा एप्लीकेशन। उसके बाद में हम करेंगे बैलेंस ट्रांसफ़र, तो आप देख सकते हैं हमारे अकाउंट में 844 रियाल है, जिसमें से हम 750 रियाल भेजेंगे। फिर से हम दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है चॉइस ट्रांसफ़र टैब, आपको इस पर टाइप करना है। मुझे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करना है तो हम आपको ऊपर ही क्लिक करना है, हमें ओके कर देना है। चॉइस योर बेनिफिशियरी लिखा हुआ, आपको इस पर क्लिक करना है। बाद में दोस्तों आपको यहाँ से वो बेनिफिशियरी जो आपने ऐड किया था, या आपने बैंक से ऐड कर रखा या आपने खुद से ऐड किया था, अगली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप बेनिफिशियरी कैसे ऐड करेंगे। तो उसके बाद में हमें जिस अकाउंट पर भेजना है उनके नाम पर हम टाइप करेंगे। चलिए हम यहाँ टाइप कर देते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर बता रहा है कि आपको कितना रियाल भेजना है। अगर आप सबसे ऊपर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सऊदी का रियाल आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ सऊदी का रियाल लिख देते हैं 750 रियाल, तो यहाँ पे 14,796 रुपये बन के आ रहा है। अगर आपको दोस्तों इंडिया का ही पैसा भेजना है, यानी सऊदी का नहीं भेजना है, आपको इंडिया का भेजना है, क्या करते दोस्तों कुछ लोग हैं जो पूछते हैं कि हमें जैसे इंडिया का ही पैसा भेजना है, बैंक में भी जाके पूछते हैं कि उनको 10,000 भेजना है तो कितने पैसे मेरे बनेंगे, तो जैसे उन्होंने 10,000 टाइप किया तो उनसे 506 रियाल मांगा जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर आप चाहते हैं तो एक अमाउंट भेजिए, जैसे 10,000, 20,000, 15,000, 5,000, एक ऐसे अमाउंट भेज सकते हैं। अगर आपको कुछ रियाल में भेजना है तो जैसे हम भेज रहे हैं आप ऐसे भी भेज सकते हैं। तो चलिए हमें 750 रियाल भेजना है तो हम 750 रियाल लिख लेते हैं। दोस्तों हमारा बन रहा है 14,796 रुपये, और यहाँ पे फ़ीस दोस्तों नहीं लगती है, ज़ीरो फीस है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ट्रांसफ़र रीजन, यानी किस लिए आप भेज रहे हैं, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन हम आपको फैमिली पेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेंगे। नीचे मेडिकल लिखा हुआ, अगर आप चाहते तो मेडिकल भी रहने दीजिए, वरना एजुकेशन भी कर सकते हैं, शॉपिंग पे कर सकते हैं, यानी कुछ भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। चलिए मेडिकल ही रहने देते हैं। आप यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन देख रहा है, आपको इसमें कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना आप जिसके नाम पे भेज रहे हैं उनका ही नाम लिख दीजिए, वरना आप अपना नाम लिख दीजिए, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। दोस्तों आपको यहाँ बता रहा है कि आप इस अकाउंट पर भेजने जा रहे हैं पैसे, और एक रुपये का 19.73 रुपये पैसे बन रहे हैं, रेट दिखा रहा है 14,496 रुपये बन रहे हैं, वो भी दिखा रहा है हमें यहाँ पर। और उसके बाद में आपको क्या करना है, सेंड पे कर देना है क्लिक। आपका ट्रांसफ़र दोस्तों सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद में आपको शो ट्रांसफ़र डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं जो हमने ट्रांसफ़र किया है बैलेंस, ये हमारा बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया है। जो रेफरेंस नंबर मिलता है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, ये मिला हुआ है हमें। आपको क्या करना है, आपको इसकी एक स्क्रीन शॉट निकाल के रख लेना है। अगर आपका पैसा कुछ टाइम लग जाए ना जाए तो कभी आपको ज़रूरत इसकी पड़ सकती है, क्योंकि जब आप इसका पैसा आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, काफ़ी समय लग जाएगा, तो आपको इस स्क्रीनशॉट की ज़रूरत पड़ेगी इस नंबर की। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये पैसा जो है 24 घंटे में जाता है, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है ना तो घबराना है दोस्तों, ये आपका पैसा ज़रूर पहुँच जाएगा, बस आपको 24 घंटा पहुँच जाएगा। जैसे आप मान लीजिए आप आज 5 बजे आपने पैसे भेजा है, तो कल 5 बजे तक या आगे या पीछे थोड़ा सा, यानी 6 बजे तक या 4 बजे तक ऐसे कुछ हो जाएगा आपका ट्रांसफ़र, क्योंकि हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा 24 घंटे में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आपका 2 से 4 दिन 5 दिन लग जाता है दोस्तों, फिर आपको तहवील अल राजी से जहां से आपने पैसा भेजा है कस्टमर केयर से संपर्क करना चाहिए। अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।